एन टी सी एस टी डी एस एन टी सी एस न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें भी नहीं है, ब्रेक दिया तो था, निपटा ना पाए तुम। तो टॉपिक टॉपिक बढ़िया है और इसमें भी फिर ऑब्जेक्टिव के ही चांस बनते हैं। पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं टीडीएस क्या है और टीसीएस क्या है, दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। टीडीएस का मतलब हुआ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कॉपी करिए। टीडीएस का मतलब हुआ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर ए लिमिटेड ले रहा हूं, पेयर है ये, और यहां मिस्टर राम ले रहा हूं पी। राम एक प्रोफेशनल है और इसने कोई सर्विस दी है ए लिमिटेड को, और ये तय हुआ है कि 2 लाख रुपए ए लिमिटेड इस सर्विस के पे करेगा। अज्यूम कर लेते हैं कि राम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो टीडीएस का नियम कहता है कि ए लिमिटेड 2 लाख रुपए में से डिडक्ट कर लेगा 10%, 194 जे। और बैलेंस 1,80,000 राम को पे करेगा। इंट्रोडक्शन हो रहा है, लॉजिक वगैरह भी देख लेंगे। डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट करेगा टू गवर्नमेंट अकाउंट कितने रुपए, 20,000। ये होगा टीडीएस इन द नेम ऑफ राम। ये नाम कैसे पता चलेगा सरकार को, इसके लिए टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जाएगा। क्वार्टरली रिटर्न फाइल होगा, मतलब ये हुआ कि टीडीएस काटा गया, जमा करवाया गया,
और फिर टीडीएस का रिटर्न भरा गया। रिटर्न क्यों भरना है, काटना क्यों है? क्योंकि जमा कराना है। जमा क्यों कराना है? क्योंकि पैसा सरकार तक पहुंचाना है। पैसा तो राम का था, तो राम के नाम की खबर सरकार को पहुंचनी चाहिए, इसके लिए रिटर्न भरना पड़ेगा और राम को ये सर्टिफाई करके देना पड़ेगा। ए लिमिटेड सर्टिफाई करके देगा कि भाई मैंने मैंने तेरे 20,000 काट के जमा कराए हैं और ये मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस कहलाता है टीडीएस सर्टिफिकेट। तो नेक्स्ट काम जो करना है इनको, ये करना है टीडीएस सर्टिफिकेट इशूड टू राम। राम को टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। उंगलियों पे गिनो और बताओ कितने काम किए हैं ए लिमिटेड ने। काटा, जमा कराया, रिटर्न फर्निश किया और सर्टिफिकेट दिया है। चारों काम समझ आ गए? राम ने रिसीव्ड कितना किया? 81। अब राम इसको ग्रॉस करेगा। अदर सोर्सेज में पढ़ा है आपने, 81 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख। इट विल बी शोन इन आईटीआर। आईटीआर में वो कितना दिखाएगा? 2 लाख अपनी इनकम। ऐसा नहीं है कि पूरे साल में 2 ही लाख कमाया इसने, और भी कमाए होंगे, ये तो एक प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं। तो सारी इनकम वो दिखाएगा। मैं यहाँ ये बताना चाहता था कि 1,80,000 रिसीव्ड किया, लेकिन इनकम कितनी दिखाएगा? 2 लाख, बस ये बताना चाह रहा था। नाउ टीडीएस इज क्लेम्ड बाई राम फ्रॉम फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। और मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको समझाने की ज़रूरत है। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी से दो चीज़ें क्लेम करेंगे, एक टीडीएस और एक एडवांस टैक्स। उसके बाद जो बचेगा वो सरकार को जमा करा देंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। तो राम का रोल कम ही है, रोल ज़्यादा टीडीएस में किसका है? किसका है? पेयर का। ज़्यादा रोल किसका है? पेयर का ज़्यादा रोल है, राम का रोल कम है। क्लियर है यहाँ तक? तो बताइए टीडीएस समझ आ गया? टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स क्यों कहा गया बताओ? राम के सोर्स देखिए क्या है। ए लिमिटेड, राम की कमाई कहाँ से हो रही है? ए लिमिटेड से। वहीं पर ये टैक्स कट गया और सरकार को चला गया। ये टैक्स किसका है? राम का। तो राम के ही नाम पर सरकार के पास जमा हो चुका है। फ्यूचर में राम अपनी फाइनल टैक्स में से ये कहेगा कि मेरा टीडीएस कट गया है, जितना बचा हुआ है और ले लो, या रिफंड बनता है तो रिफंड दे दो। ठीक है, ये टीडीएस था। टीडीएस में आपको मैं क्या क्या सिखाऊंगा? क्या सिर्फ कंपनी टैक्स काटेगी? नहीं। क्या सिर्फ इंसानों के लिए ये रूल है? नहीं। क्या सिर्फ सर्विस के ऊपर रूल है? नहीं। क्या सिर्फ 10% ही हमेशा कटता है? नहीं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि कितने परसेंट कटते हैं, किसको काटना अनिवार्य है, किसका पे ही होना जरूरी है, काटने के बाद जमा करवाना है, कब तक जमा करवाना है भाई साहब? आज टीडीएस काटा तो कल ही जमा करा दूं क्या? टाइम कुछ दोगे? रोज टीडीएस ही जमा कराने के लाइन में लगा रहूं क्या? दिन में 4 टीडीएस कट रहे हैं तो क्या मैं एक आदमी को लगा ही दूं बैंक में जमा कराने के लिए? नहीं, ऐसा मत करो, मंथली जमा करा देना। तो टीडीएस मंथली जमा होता है, पूरे महीने में इकट्ठा कर लो, जिस जिसका काटा है अगले महीने के 7 तारीख को जमा करा दो। उसके बाद टीडीएस रिटर्न कब भरना है? क्वार्टरली भरना है। उसके बाद सर्टिफिकेट कब देना है वो भी हम देखेंगे, मंथली या क्वार्टरली, डिपेंडिंग अपॉन द केस। ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं टीडीएस में। टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फिर से मैं यहां पे सिर्फ
सिर्फ एग्जाम्पल लूंगा, मतलब इसके अलावा भी और भी दुनिया है TCS के, ये एक उदाहरण के रूप में ताकि मैं TCS के प्रोसीजर को समझा सकूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल रहेगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेच रही है स्क्रैप। स्क्रैप, ये मोबाइल में साइलेंट मोड नहीं है जो आवाज बीच बीच में कर रहे हैं। ए लिमिटेड जागो, उसे साइलेंट मोड में डाल दो। एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो भी कुछ बनाता है आप जानते हो स्क्रैप तो होगा। जैसे ये स्टील के, मान लीजिए अलमीरा बनाता है, तो स्टील का कुछ स्क्रैप निकलेगा। अगर ये फर्नीचर बनाता है तो उसका स्क्रैप निकलेगा। अगर ये गारमेंट्स बनाता है तो उसका स्क्रैप निकलेगा। जो कुछ भी बनाता है, प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन वगैरह, जो भी बनाता है स्क्रैप निकलेगा। तो स्क्रैप तो जो निकलता ही है, ये स्क्रैप बेच रहा है इस व्यक्ति को। अब मुझे बता सकते हो पेयर कौन, पेई कौन? गोपी इसको पे करेगा, स्क्रैप बेच रहा है 4 रुपीज, 5 लाख। सर इतना स्क्रैप तो बड़ी कंपनी है, बहुत मोटा स्क्रैप आ रहा है, 5 लाख का स्क्रैप बेच रहा है। बता सकते हो गोपी इसको पे करेगा या गोपी को ये पे करेगा? गोपी पे करेगा। कितने रुपए? 5 लाख। बताओ पेयर कौन है, रिसीवर कौन है? गोपी पेयर है, और पेई कौन है? पेई कौन है? एक्स लिमिटेड, और गोपी है पेयर। टीडीएस का ठीक उल्टा प्रभाव है। पेई कहेगा पेयर से कि सुन, मुझे जो तू 5 लाख दे रहा है और मुझे 1% दे। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और ले लिया 1%। यानी राम गोपी देगा कितना पेमेंट? 5,05,000। बता सकते हैं गोपी अपने परचेज को कितना बुक करेगा? परचेज अकाउंट कितना बुक करेगा? नहीं, खर्चा थोड़ी है ये 1%, ये तो टैक्स है। किसका? गोपी का, जो सरकार को पहुंच गया है एडवांस में। फ्यूचर में गोपी जो अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा उसमें 5,000 माइनस करेगा। ये उल्टा ही हो गया मतलब। अच्छा सर, एक्स लिमिटेड 1% एक्स्ट्रा ले रहा है, उसका क्या? हाँ उसका क्या? पहला काम एक्स लिमिटेड ने क्या किया? पहला काम एक्स लिमिटेड ने क्या किया? टैक्स कलेक्टेड। टैक्स की जगह आप लिख सकते हो TCS कलेक्टेड। दूसरा काम TCS डिपॉजिटेड। तीसरा काम TCS रिटर्न फाइल। ओहो सर सब कुछ वही है क्या? हाँ सब कुछ कॉपी पेस्ट सेम। तो सर आगे TCS का सर्टिफिकेट होगा? करेक्ट, TCS सर्टिफिकेट होगा, आगे TCS का सर्टिफिकेट होगा, बिल्कुल करेक्ट। आप कभी, आपके घर में, आपके फैमिली में किसी ने कार परचेज की है हाल फिलहाल में? तो आप एक बार पता करिएगा, कार खरीदी है अगर 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू की कार आपके रिश्तेदार में, दोस्तों में, जान पहचान में, पड़ोस में, मोहल्ले में किसी ने खरीदी होगी, तो उनके पास आज चले जाना, होमवर्क है सर हमारा।
कितने की गाड़ी ली, बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, कहना नहीं, आप बिल वाला बताओ, रसीद, रसीद वाला बिल, इनवॉइस। तो कहेगा मान लो 12 लाख रुपए का इनवॉइस, 12 लाख की गाड़ी ली। सर इनवॉइस में आप मुझे दिखाओ 1% TCS भी जुड़ा होगा, हैं देखना जरा, हाँ जुड़ा हुआ है, हाँ टैक्सेस वगैरह मिला के इतना पड़ गया। कहना ना 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 ना, ध्यान से, ये 12,000 टैक्स है, टैक्स, इसका आपको रिफंड मिलेगा, जरा संभाल के रखना सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट कहाँ है? वो तुमको दिया नहीं, देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी तो तुरंत खरीदा है आपने, देंगे, ले लीजिएगा सर्टिफिकेट। और जब अपना फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न आप भरेंगे, उसमें 12,000 माइनस कर लीजिएगा टैक्स लाइबिलिटी से। बेटा वो तो जीएसटी है ना, अरे जीएसटी तो ऊपर है अंकल, 12 लाख के, देखिए क्या लिखा है, TCS 1%। हाँ कुछ था तो 1% और लगेगा, हमने कहा लगेगा तो लो, हमको कार चाहिए। अरे टैक्स बोलो ना कितना बनेगा, जो बनेगा बोलो, अभी कार खरीदने आए तो हम टैक्स पे बहस करेंगे क्या? तो दे दिया उन्होंने, और उनको खुद ही नहीं पता कि ये 12,000 की है उनकी। तो तुमको देखो कितना स्वागत मिलेगा कि वाह बेटा शाबाश, थैंक यू। ये तो वो बताते भी नहीं चार्टर्ड को अपने, तो 12,000 बेकार ही हो गया, बात समझे? तो कार पे भी TCS है, लेकिन 10 लाख के ऊपर की कार खरीदी तो 1% है, समझ गए? स्क्रैप में सिर्फ नहीं है, स्क्रैप खरीदा तो, कार खरीदी तो, और भी बहुत चीज खरीदा तो है। तो क्या क्या खरीदने पर है और क्या क्या रेट है वो हम पढ़ेंगे। अब बताइए, क्या परचेज इसने क्लेम कर लिया, अब क्या होगा? ही शैल क्लेम TCS फ्रॉम, क्या लिखोगे, फ्रॉम फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी से TCS वो क्लेम कर सकता है। तो TCS क्या हुआ समझ आया? TDS का उल्टा कर देना है, इसमें पेयर नहीं काटता है, बल्कि पेयर पेई से नहीं, पेई पेयर से कलेक्ट करता है। कब कब ऐसा होगा, हमेशा नहीं होना है, कब कब ऐसा होगा वो हमको पढ़ना है, किस रेट से होगा ये हमको पढ़ना है, समझ गए? इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, मुझे नहीं मालूम, मैं साफ लफ्जों में अपनी कमी बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, बता दो। मनमोहन सिंह ने ये हमारे देश में, मैं जहां तक अपना नॉलेज समझता हूँ, इकलौता ये सेक्शन है TCS जो शुद्ध रूप से हमारा है, इसमें कोई नकल नहीं है। बाकी तो ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है उसको तो ठीक है, उधर से हमने लिया, थोड़ा अपना चेंज किया तो बन गया। TCS हमारा शुद्ध रूप से है, हमारा है, TDS भी आउटसाइड इंडिया से कॉपीड है, TCS हमारा है। ये तुम मुझे फंसा रहे हो, काम में आओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस से, सच झूठा लड़का। ऐसा इसलिए हाँ, ये आदमी जो है ना, एक कबाड़ी वाला जो है ना उधर, एक कबाड़ी वाला बॉम्बे का बहुत डेंजर आदमी था, बहुत मोटी कमाई कबाड़ी वाले की बॉम्बे में। टैक्स नहीं दोगे? नहीं दूंगा। इनकम टैक्स ऑफिसर गया टैक्स लेने के लिए, काट के उसका सर वहीं रख दिया, कोई दूसरा आएगा तो उसको दिखाऊंगा ये है। बहुत ही गलत, हंसने की बात नहीं है, बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत गंदा काम, ये रियल स्टोरी। मतलब उनकी दादागिरी चलती थी, कर क्या लोगे? ये कौन कौन थे? एक ये, दूसरा कबाड़ी वाले थे, एक दूसरा थे माफिया शराब के, जो शराब बनाते थे, लाइसेंस तो सरकार देती है शराब बनाने की, तो शराब बना के बेचा, खूब कमाया पैसा, टैक्स नहीं दूंगा,
क्या कर लोगे बोलो, ऐसे चलता था। जब शराब बनाता हूं तो बात साफ है, मैं विलन हूं तो रोल तो करना पड़ेगा, ऐसा चलता था। तीसरा, जंगल के माफिया थे। जंगल किसका? शेर का। देखो जरा, तुम्हें मैंने हाथी वाली कहानी सुनाई है ना, शेर का कैसे हो गया? जंगल सरकार का है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। और जंगल सरकार लीज पर देती है कि आप लकड़ियां काट सकते हो। और जो लकड़ियां काटो तो मना है सर, ऐसे पर्यावरण वो सब तो तुम जो सुनते हो वो अलग चीज है, पर्यावरण सुरक्षा जरूरी है, बट आज भी जंगल कट रहे हैं, सरकार ही देती है जंगल काटने। सरकार कहती है आमदनी भी तो चाहिए, ये जंगल का ये हिस्सा काट लो, ले जाओ। बस उसमें प्रोहिबिशंस होते हैं, आप किसी जानवर को आघात नहीं पहुंचाओगे, आप चंदन की लकड़ियां नहीं काटोगे, लिमिटेड है वो, हम नहीं दिया दे रहे लीज में, तो फिर वही चंदन की लकड़ी काट दी, तो इसको कहते थे तस्करी, इसको कहते स्मगलिंग, ऐसे बना वीरप्पन, समझ आया? तो ये सब जो ऊपर ऊपर की कहानी तुमने सुनी है, वो वीरप्पन मतलब क्या? वो मतलब ऐसे कि चंदन की तस्करी नहीं कर सकते, तो उसकी तस्करी चल रही है, वो भी काट लेते हैं, तो बीच में कौन जाएगा पता लगाने? तो उसके ऑफिसर जाएंगे कि आप चंदन की लकड़ी, फॉरेस्ट ऑफिसर जाएंगे, फिर उनके झगड़े, फिर फिल्म बन जाता है, कुछ समझ आ रहा है? वो लोग भी टैक्स नहीं देते थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये तीन लोग एक टाइम पे तो शरीफ रहते हैं, बस वहीं पकड़ लेना है। माल खरीदने आते हैं उस समय शराफत से आते हैं, वहीं जोड़ लो 1%, कुछ तो आया, ये तो जीरो दे रहे हैं। जंगल सरकार से ही लीज पे लेने आएंगे ना, लीज रेंट तय हुआ है 5 करोड़ 5 साल का, वहीं जोड़ दो और टैक्स कि भैया 5 करोड़ नहीं है इसमें, इतना टैक्स और जुड़ता है। बाद में का झंझट ही मत पालो ना, ये अगर यहां से स्क्रैप 5 लाख में ले रहा है तो पक्की बात 5.5 लाख से कम में थोड़ी बेचेगा। हाँ तो आमदनी तो होगी, हाँ तो टैक्स ले रहे। शराब वाले से भी शुरू में ही उठा लिया। इस तरह से ये पैदा हुआ था टीसीएस। फिर इसको धीरे धीरे माइंस में ले गए, माइंस माफिया होते थे, माइंस उसमें भी ले गए, वहां भी डाला टीसीएस। तो टीसीएस अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगहों पर माफिया के चक्कर में आया था। अब मुझे और तंग ना करें, मेरा कोर्स ही नहीं पूरा होगा, नहीं तो मुझे नहीं मालूम है। मनमोहन सिंह लेकर आए थे इस टीसीएस के कंसेप्ट को, उनके दिमाग की उपस्थिति, बहुत अच्छे व्यक्ति, मतलब बिना ही किसी लड़ाई झगड़े के उनसे टैक्स वसूलवा लिया। जब उनके सामने इस तरह की घटनाएं आई कि टैक्स ऐसे ऐसे नहीं दे रहे हो और इस तरह से कत्लेआम चल रहा है, तब वो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। उसके बाद तो बाकी जितने भी सरकार आती गई इसके ऊपर चीज़ों को जोड़ती गई। ये ऐसे बहुत बढ़िया लेकर आए थे, मतलब ये ओरिजिनल है अपना, कोई नकल नहीं, ठीक है? जीएसटी नकल है, तो इस तरह से ओरिजिनल, ये हमारा ओरिजिनल है टीसीएस, अच्छी चीज़ है, समझ गए? अब मुझे तंग बहुत करते हो तुम लोग ना, मैं तुमको बता चुका कि मुझे नहीं मालूम तो भी बदतमीजी हो रही है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, झूठी कहानी बना बना के बोलता हूँ और क्या। हाँ तो कलाकारी है कहानी सुनाने की। अच्छा चलो ठीक है, अब वापस आते हैं असली मुद्दे पे, आओ दोस्त, हमें इसमें रिजल्ट करना है, स्कोर करना है, असली मुद्दे पे आओ। हम ये अब सीखने जा रहे हैं कि टीडीएस कौन काटेगा, किस इनकम पे काटेगा। टीसीएस नहीं पढ़ रहे आप? टीसीएस अब फिर कभी, अभी क्या पढ़ रहे हैं? टीडीएस कौन काटेगा, टीडीएस किस इनकम पे काटेगा और किस रेट से काटेगा, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक? उसके बाद फिर मैं पढ़ा दूंगा कभी बातचीत के दरमियान कि टीडीएस कब काटना है, टीडीएस कब जमा कराना है, टीडीएस रिटर्न कब भरना है और टीडीएस सर्टिफिकेट कब इशू करना है। ये एक आसान सा एरिया है, इसको बाद में देखेंगे। फिर से सुन लो, टीडीएस कब काटना है, कब जमा कराना है, कब टीडीएस रिटर्न भरना है और कब सर्टिफिकेट इशू करना है, ये कब 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 यानी ड्यू डेट्स, ये रट्टा लगाना है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं है, रट्टा लगाना है, काम खत्म कर देंगे, उसको भी रट्टा लगवा लेंगे बाद में, रटवाएंगे आपसे ही, रटवाएंगे मैं ही रटवाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं रटवाऊंगा, वो बाद में देख लेंगे। तो कब काटना, कब जमा कराना, कब रिटर्न भरना, कब सर्टिफिकेट इशू करना, वो बाद में देख लेंगे। अभी हमें क्या करना है कि कौन काटेगा, कितना काटेगा, किस रेट से काटेगा टीडीएस और किसका टीडीएस काटेगा। तो सर पेयर काटेगा, पे ही का, ऐसा कुछ नहीं है,
सब में लफड़ा है, आराम आराम से समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। मैं एक थीम आपको दे रहा हूं, यह थीम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है एक्ट में, यह मेरा रिसर्च है जिससे हम बहुत सारे सेक्शन से एक साथ कवर कर सकते हैं। यह थीम है, एक बढ़िया सा रिसर्च है, तो इसको बहुत धीरे धीरे आराम से सुनना। पेज नंबर 15 पर आओ तो तुमको दिखेगा 192 से 195 तक फैला हुआ है सेक्शंस, बहुत ज्यादा है, टीडीएस में बहुत सेक्शंस है, 192 192 93 94 94 94 बी डबल बी सी डी डी ए ई जी एच आई आई ए आई बी आई सी जे एल ए एंड 195। इसमें कम से कम 10 सेक्शन मैंने नहीं लिखे, 10 सेक्शन मिनिमम ऐसे हैं जो नहीं लिखे, जो फाइनल में तुमको मिलेगा। ये सेक्शंस हैं जो बताते हैं कि इस टाइप के पेमेंट पर इस रेट से टीडीएस कटेगा। गौर किया जाए पेमेंट के टाइप भी बता रखा है, 192 किसका है, सैलरी का, रेट क्या है, एवरेज, 194 किसका है, डीम डिविडेंड का, रेट गलत है, जरा ठीक कीजिएगा कृपा करके, आपको भी याद होगा रेट, नहीं रेट ठीक है 10% रेट 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 जीरो 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 ई खत्म ई खत्म रेट जीरो 194 पूरा ही मेरे ख्याल से कट जाएगा, बता रहा हूँ बेटा 194 पूरा ही गायब होगा, 194 पूरा ही गायब होगा, 194 पूरा लाइन काट दीजिए, 194 पूरा कट गया, पूरा काट दीजिए 194। हम किस पेज पे हैं दिखाऊं फिर से, हम हैं 1 पेज पे, ये गलत, ये खत्म हो गया, गलत नहीं है, लास्ट ईयर तक था, अब खत्म हो गया, टेंशन नहीं लीजिए, हमने आगे इसको लिख रखा है कि ये खत्म हो चुका है, ठीक है। ये बताइए 194 बी किस पे कट रहा है टीडीएस, डब्ल्यूआरसी नहीं है, आर गायब है, आर इधर है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल कार्ड गेम एक्सेट्रा बट हॉर्स रेस डबल बी है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह पे 30% है और हॉर्स रेस पे भी 30% है, दोनों में 30 ऐसे थोड़ी होता है, तो है, अब क्या करोगे, जबरदस्ती करोगे क्या, अच्छा मतलब तरीका नहीं है, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, फालतू में सेक्शन बढ़ा रहे हैं, ये तो लग रहा है कि सीरियल चल रहा है, सीरियल फालतू में एपिसोड बढ़ा रहे हैं, है ना, चलो कोई बात नहीं। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर रेट है 5%, इंश्योरेंस कमीशन जरा फील कीजिए, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कोशिश कीजिए ज्यादा सीखने को मिलेगा, रट्टा लगाइएगा, रोने लगिएगा टीडीएस में, अगर रटना रट्टे पे आ गए तो रटिएगा नहीं, दिमाग लगाइए। इंश्योरेंस कमीशन एक पेमेंट है, तुम गौर करो बेटा, ऊपर हेडिंग है पेमेंट पे टीडीएस कटता है ना, तो अब बुद्धि लगाओ कि ये पेमेंट कौन करता है, कंपनी करती है, हम लोग नहीं करते। अगर आप ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो कि हमारे पास एक एजेंट आया कि आपका इंश्योरेंस हम करवा दें, हाँ करवा दें, लाख कमीशन दीजिए 10 रुपए, हम 1 रुपए भी नहीं देंगे कमीशन, इंश्योरेंस करा रहे हैं एहसान मान ले, कमीशन तुमको कंपनी देगी, तो बताओ कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी, किसको, एजेंट को, तो कौन काटेगा टीडीएस, इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे बुद्धि लगाते रहना। अच्छा बताओ इस पे टीडीएस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे टीडीएस कौन काटेगा, हाँ जो पे करेगा, कौन पे कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। उसी तरह बताओ इस पे टीडीएस कौन काटेगा, बोलो बेटा कौन, कमीशन कौन देगा, कंपनी, किसको, टिकट बेचने वाले को, अब तुम सही बोलते जा रहे हो, इंश्योरेंस जो लॉटरी टिकट कंपनी है वो इंश्योरेंस जो टिकट बेचने वाला है उसको कमीशन देगी, उस पर टीडीएस है, हम लोग नहीं काट रहे हैं टीडीएस। उसके बाद ऐसे ही आप पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे कि कौन टीडीएस काटेगा। मैं ये समझाना चाह रहा था, थीम समझना, हम अगर ये डिस्कस करें कि पेयर कौन, तो कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिसमें स्पष्ट है यही पेयर दूसरा हो ही नहीं सकता,
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पेमेंट है, पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेमेंट है, कौन काटेगा? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, कंपनी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी एजेंसी। हॉर्स रेस, रेस ऑर्गेनाइजर। इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कंपनी। कुछ चीजों में स्पष्ट है कौन है पेयर, तो जहां भी स्पष्ट है वहां तो वही है पेयर। कुछ में स्पष्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रेंट पे टीडीएस काटना है तो रेंट तो कोई भी दे सकता है भैया। कमीशन पे टीडीएस काटना है, सिंपल कमीशन, कमीशन तो कोई भी दे सकता है भाई साहब। ऐसी परिस्थिति में जब क्लियरिटी नहीं है, प्रोफेशनल को जब हम पैसा देंगे ना तो उस पर टीडीएस काटना है, वकील को पैसा देंगे तो टीडीएस काटना है, चार्टर को पैसा देंगे टीडीएस काटना है, कॉस्ट अकाउंटेंट को पैसा देंगे टीडीएस काटना है, तो कौन काटेगा भैया? यहां तो कोई भी हो सकता है। जब तुम्हारे दिमाग में पेयर के सामने कोई भी आ जाए तो एक मंत्र दोहराना है। ऐसी परिस्थिति में पेयर की परिभाषा है, पेयर मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। सोचो अगर सरकार एनी पर्सन में अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं कहती तो सातवीं कक्षा में ही टीडीएस आ जाता। नहीं समझे? हर किसी को टीडीएस काटना है तो भैया छोड़ो बाकी काम, पहले टीडीएस के चैप्टर तो पढ़ो, क्या पता हमको भी काटना पड़ गया तो हमने काटा ही नहीं तो गलत हो गया ना, तो फिर सजा मिलेगी, सजा मिलेगी ना, तो फिर दसवीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से टीडीएस चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाता और सरकार जो भी ऐसा लिखती पहले उसको गिराते कि मतलब हम भी हर कोई काटेगा टीडीएस, यानी टीडीएस चैप्टर पढ़ो पहले, रेट क्या है, कौन सा पेमेंट है, कब जमा कराना है, अब काटना थोड़ी है खाली भैया, काटना है फिर जमा कराना है, टीडीएस रिटर्न भरना है, ओ ये क्या लफड़ा है। इसलिए जहां जहां पेयर स्पष्ट है, जैसे कंपनी है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, वहां तो कोई बात नहीं। जैसे ही तुम्हारा आंसर पेयर में इंसानों की तरफ मूव करे कि वो भी हो सकता है तो तुरंत मंत्र पढ़ लेना कि सर यहां पेयर, और लिखा वही होगा, मैं चाहता हूं रट लो एक ही बार में, हर सेक्शन में ये लिखा मिलेगा, घबराओ नहीं। जहां जहां पेयर साफ है, जहां जहां पेयर साफ है वहां लिखेंगे एवरी पर्सन बिना डरे हुए। जैसे इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस का कमीशन देगी उस पर टीडीएस कटेगा, ये तुमने सुन लिया, तो पता है जब वो सेक्शन पढ़ोगे 194D तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखा, उसमें पता है क्या लिखा है? एवरी पर्सन, जो भी देगा उसको टीडीएस काटना है। हमको मालूम है एवरी पर्सन में कंपनी आएगा और कौन आएगा, तो वहां बिना डरे सेक्शन लिखता है एवरी पर्सन। लेकिन जहां सेक्शन डरता है कि एवरी पर्सन लिखूंगा तो इंडिविजुअली फंस जाएगा तो वो कैसे टीडीएस काटेगा, तो परेशानी हो जाएगी, वहां स्टेटमेंट क्या लिखा होता है, कॉमन स्टेटमेंट बता रहा हूं, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कॉमन एंड इंडिविजुअल एचयूएफ आल्सो लायबल टू डिडक्ट टीडीएस इफ टैक्स ऑडिट वाज रिक्वायर्ड इन लास्ट ईयर। तो भैया पहली बात तो इंसान अगर व्यापारी नहीं है तो परे हो जाओ, तुमको टीडीएस नहीं काटना, तुम साइड लो। इंडिविजुअल अगर व्यापारी नहीं है तो साइड हो जाओ, तुमको टीडीएस नहीं काटना। और जो इंडिविजुअल एचयूएफ व्यापारी है उनमें भी छोटे व्यापारी साइड हो जाओ, तुमको टीडीएस नहीं काटना। वो व्यापारी टीडीएस के लिए लायबल होगा जिसका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था, लास्ट ईयर, करंट ईयर नहीं। रुको रुको रुको, ये पेमेंट कब दे रहे हो तुम? पेमेंट हम 18-19 में दे रहे हैं, तो 17-18 में अगर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है तब तुमको 18-19 में टीडीएस काटना है। नहीं 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 नहीं, हमारा तो 18-19 में रिक्वायर्ड है, तुमको कैसे पता, अभी तो ईयर चल ही रहा है। भाई साहब पहले 2 महीने में ही सेल हो गया 2.5 करोड़, अब बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे, नो टीडीएस, क्योंकि मुझे साल के शुरू में ही ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं पेमेंट करने जा रहा हूं एम आई लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, और साल के शुरू में मैं कैसे पता लगाऊंगा लास्ट ईयर के फिगर से। इसलिए लॉ में लिखा है इफ लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट वॉज रिक्वायर्ड। लंबी सांस लेनी है जब भी लगे कि जान नहीं बची तो छोड़नी भी है फिर दम निकल जाएगा फिर। लास्ट ईयर इफ टैक्स ऑडिट वॉज रिक्वायर्ड देन करेंट ईयर यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस।
तो दोस्तों आपको एक ही बार में मैंने एक ही झटके में पेयर की परिभाषा समझा दी कि पेयर में जहां भी बेखौफ इंडिविजुअल एचयूएफ को ला ही नहीं सकते, तुम दिल खोल के बोलो एवरी पर्सन, डरने की क्या जरूरत। जैसे सेक्शन है 193, वो कहता है डिबेंचर के ब्याज पे टीडीएस कटेगा, तो वहां लिखा नहीं है कंपनी, कहता है एवरी पर्सन, वो कंपनी आएगी। जहां डर है कि इंडिविजुअल भी फंस सकता है, तो वहां की परिभाषा क्या बना दी, एवरी पर्सन इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ, एंड इंडिविजुअल एचयूएफ इज ऑल्सो लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस इफ लास्ट ऑडिट लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट वॉज रिक्वायर्ड। अब तो तुम जिम्मेवार हो गए हो भैया, लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था, बड़े आदमी हो गए, तो आप शुरू से जरा ध्यान रखो टीडीएस भी काटना है। लेकिन हमने नहीं पढ़ा टीडीएस चैप्टर, कोई बात नहीं, एक चार्टर्ड हायर कर लो, वो देखेगा कहाँ कहाँ काटना है, एक टैक्स कंसल्टेंट ले लो, लेकिन भाई साहब टीडीएस तुमको काटना पड़ेगा। ठीक है, बताइए कितना बढ़िया मैंने रिसर्च किया था। इस रिसर्च में बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि सर आपने सभी सेक्शन में, क्योंकि बच्चे फाइनल में इंटर में पढ़ लिया, अब कन्फ्यूजन रहा, डरते थे कि सर ये समझ ही नहीं आता कि पेयर किसी में कोई होता है किसी में कोई होता है, कहीं कहीं ये लिखा होता है कहीं कहीं ये नहीं लिखा होता है, तो हमें रटने में दिक्कत होती है। मैं कहा ये पढ़ लो हो गया खत्म, बच्चे बड़े खुश होते थे। लेकिन मेरे इस रिसर्च पर ग्रहण लग गया। सरकार पहली दफा जब लेकर आई 194 आईए, तो हमने कहा आईए, मेरे रिसर्च पर पानी फेर दिया। आईए 194, भाई साहब एक बार बस ग्रहण लगना शुरू हुआ तो 194 आईए, हैं 194 आई बी, और 194 आई सी, ये तीन सेक्शन मेरे रिसर्च पर धब्बा है। ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी आया कुछ साल में, एक आध तो पिछले ही साल आया, बहुत गलत है, मेरा रिसर्च खराब कर गया। नहीं तो मैं बिल्कुल कहता था डरना ही नहीं तुमको, पेयर पहचानना है क्या, इंडिविजुअल है जब जहां नहीं है वहां तो है कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां है वहां एक ही मंत्र याद रखो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड इंडिविजुअल एचयूएफ ऑल्सो इफ टैक्स ऑडिट वॉज रिक्वायर्ड, सभी जगह ये तीन ने बर्बाद कर दिया। भाई साहब ये जब पहला सेक्शन हमारे देश में आया तो इतना हंगामा हुआ कि ये कैसे कोई ला सकता है सेक्शन, ये तो हद हो गई। ये लेकर कौन आए थे, ये लेकर आए थे प्रणब मुखर्जी, ये तो हद हो गई, ये क्या तरीका है, ये क्या लेकर आ गए 194 आइए। यहां लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति 50 लाख या उससे ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करता है तो जो सेलर को पैसा देगा उस पे 1% काट कर जमा कराएगा सरकार को। यानी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, सेलर की या बायर की? बहुत सुंदर, एकदम ध्यान से आप पढ़ रहे हो, मजा आ गया, बायर की, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अब जरा इस बात को समझिए, एवरी पर्सन लिख दिया भाई, मतलब एक किसान एक मकान खरीद रहा है तो खरीद सकता है भैया, ये क्या बात हो गई। शहर में उसका कोई परिवार, उसका बच्चा पल रहा है बड़ा हो रहा है तो उसके लिए एक मकान खरीद सकता है 70 लाख रुपए में, 50 के ऊपर जा रहा है मामला, हाँ तो टीडीएस काटो 1%। अब किसान 1% टीडीएस काटे, पहले तो उसे नहीं समझ आया कि 1% क्या करना है भैया, काट लेना, काटेंगे, काट के जमा कर रख लिया हमने, जमा कराओ कहाँ कैसे, अच्छा चलो किसी तरह कर भी दिया, टीडीएस रिटर्न भरो, सर्टिफिकेट इशू करो, दिमाग खराब है क्या, ये काम एक आम आदमी के पीछे आप क्यों डाल रहे हो, आम आदमी इन चक्करों में बर्बाद हो जाएगा, कैसे ऑब्लाई करेगा, कैसे ऑब्लिगेशन पूरा करेगा इन चीजों की। तुरंत गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना पड़ा कि भाई साहब ऐसा है, करना तो पड़ेगा, घबराइए नहीं, हम कुछ नई सेटिंग कर देते हैं,
ऐसा था ना भाई साहब, आपको ध्यान होगा कि मंथली जमा कराना है और क्वार्टरली रिटर्न भरना है और क्वार्टरली फिर सर्टिफिकेट भी इशू करना है। तो देखिए, आपके लिए बहुत सिंपल कर देते हैं, बहुत सिंपल कर देते हैं आपके लिए। आप ऐसा कीजिए, आपने मकान खरीद लिया, हाँ जी, 1% काट लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, 1% काट के जमा कराइएगा ना, तो जमा कराने में जो फॉर्म आप भरेंगे ना, फॉर्म, वो फॉर्म सबसे पहले तो बहुत सिंपल हम कर देंगे, एक आम आदमी भी भर सकता है। बायर का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, सेलर का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, कितने में डील, 1% कितना, फॉर्म में बस इतना ही भरना है, इतना तो भर लीजिएगा। आपने डॉक्यूमेंट भी तो साइन किए होंगे, इतना तो कर ही लेंगे, हाँ ठीक है, बैंक में जमा कर दीजिए। कर दिया बैंक में जमा, एक फॉर्म अलग से आता है, उस फॉर्म के साथ बैंक में जमा करेंगे तो वो पैसा हम ही को जाएगा, चिंता मत कीजिए। उसी फॉर्म को हम मान लेंगे रिटर्न भर दिया आपने, और उसी फॉर्म से एक एक्नोलेजमेंट निकलेगा, वही सर्टिफिकेट है, दे दीजिएगा सेलर को कि ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट रख लो। कुल मिला के पूरे टीडीएस के प्रोसीजर को इस सेक्शन के लिए सिंप्लीफाइड कर दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि पेयर मतलब टीडीएस डिडक्शन मतलब एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अचीव, यहाँ पे तो कोई भी फंस रहा है। बस किसानों को कहा है कि जो आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे उस पर मत काटिएगा भैया, उस पर तो वैसे भी कैपिटल गेन वगैरह बनता ही नहीं है, क्या काटेंगे। टीडीएस क्या है? टीडीएस बताया था तुमको, टीडीएस जो है वो टीडीएस चोरों को पकड़ने का मैकेनिज्म है। टीडीएस क्या है? टीडीएस चुगलखोर है। मैंने तुमसे मकान खरीदा 80 लाख का, अब तुम्हारा 1% काट लिया, मात्र एक, तेरा कुछ नहीं गया, 1% में क्या जाना है, 80 लाख का 1%, 80 हजार काट लिया, अच्छा बैंक में जमा करा दिया। अब वो फॉर्म पता है ना तुम्हारा, तुम्हारा डिटेल, मेरा डिटेल उसमें चला गया। अब अगर तुमने ये कैपिटल गेन बचाने की कोशिश की तो पकड़े जाओगे। इस तरीके से सरकार ने इसे डील किया था। तो 194 आईए, आईबी, आईसी के आने के बाद मेरा वो कहा हुआ व्यर्थ हो जाना है। आइए, आपको मोटा मोटा समझ आया? मोटा मोटा, अभी डिटेल देखेंगे। आईसी कहता है कि भाई दोस्त, आपने कैपिटल गेन पढ़ा है? नहीं, तुमसे कहता है, हाँ पढ़ा है, तो बताना 45(5) है क्या था? फोर्टी फाइव फाइव है, कोई नहीं, नोबडी, तुम 5 तक पहुंच गए हो। 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन था, मैं कह रहा हूं 5A, वो कुछ अजीब 45(5A) था, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, जहां जमीन तुमसे लेके मकान बनवाया और इसका 2 फ्लैट तुमको दे दिया, याद आया? फ्लैट के साथ मैं कैश भी दे सकता था, यस और नो? कैश जो मैं दूंगा उस पे टीडीएस कटेगा 194 आईसी में, तो आईसी तो सिंपल है। अगर किसी ने ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में, जरा ठीक से समझिए, जमीन आपकी, मैंने जमीन आपसे ले ली, पैसा नहीं दिया, कहा इस पे दोस्त 5 मंजिल बनाऊंगा, 2 मंजिल तेरे, 3 मेरे, आपने कहा ठीक है समझते हैं, लेकिन और पैसा भी साथ में लूंगा, मैं 5 लाख रुपये और लूंगा इसके ऊपर, अरे 2 फ्लैट दे रहा हूँ, ओ नहीं चलेगा, 5 लाख और लूंगा, मैं कहा चल डील फाइनल, 5 लाख और दे दिया। तो जो मैं फ्लैट दूंगा वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 5 लाख रुपया दूंगा, 194 आईसी कहता है उस पर टीडीएस कटेगा। समझे या नहीं समझे? आपका सेल कंसिडरेशन कितना बनेगा, याद करके बताओ, फ्लैट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस 5 लाख कैश, किस साल के कैपिटल गेन निकलेगा? जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला। सब कुछ याद आ गया धीरे धीरे? तो सेक्शन 194 आईसी कहता है कि 10% टीडीएस कटेगा इस वाले सेक्शन में, अगर मनी है तो। क्लियर है? 194 आई कहता है, आईए कहता है, बताओ आईए क्या कहता है, जल्दी बताओ आईए क्या कहता है, आइए कहता है यदि
यदि 50 लाख या उससे ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, तो 1% टीडीएस काटेगा कौन? बायर, और जमा करा देगा सरकार को। जमा कराने के फॉर्म को ही हम ऐसे तैयार करेंगे कि वो रिटर्न सर्टिफिकेट सब में तब्दील हो जाए और बायर के लिए सिंप्लीफाइड बन जाए ये प्रोसीजर टीडीएस का। क्लियर हो गया? एक सेक्शन है 194LA, वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर किया है किसी प्रॉपर्टी को, अगर किसने, गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर किया है किसी प्रॉपर्टी को और उसका मुआवजा या अतिरिक्त मुआवजा, बोलो बोलो, कंपनसेशन या 2.5 लाख से ज्यादा एक वर्ष में पे हो रहा है, 2.5 लाख से ज्यादा एक वर्ष में पे हो रहा है, तो 10% टीडीएस कटेगा। 194LA क्या कह रहा है? अगर सरकार ने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ऐसा क्यों? अरे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो एग्जम्प्ट हो जाता है अगर सरकार ने कंपलसरी रिक्वायर किया तो। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल सिटी नहीं है, उस पर गेन ही नहीं है, तो क्या लिखा होगा? अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अदर देन क्या लिखा होगा? एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन या रूरल? अर्बन। रूरल के लिए तो कुछ है ही नहीं, अर्बन एग्जम्प्ट हो जाता है, इसलिए अदर देन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो फिर से हो जाए, अगर सरकार ने किसी व्यक्ति से, सांस लेना है, हाथ बाहर, हाथ फ्री, दो तरीके तीन तरीके हाथ, हाथ एक एक हाथ ऐसे रखते हैं या ऐसे टेक, आप शरीर को बिना टेक लगाए मन को बाहर नहीं ले जा सकते, असंभव है। ये टेक्निक मेडिटेशन की आप सोच लीजिए, अगर आपको दिमाग को बाहर ले जाना है कुछ सोचने के लिए तो शरीर को टेक की आवश्यकता होगी। यानी जब ऐसा शरीर आपका डिमांड करे और दिमाग आपको यह समझाए कि ना ना, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए दिमाग ऐसे बताता है, मैं थोड़ा एकदम आराम से ना, थोड़ा सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं भाई साहब, सुन रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। आपने चालू कर दिया कार्यक्रम, थोड़ी देर बाद निकल लोगे तुम, आपको वहीं अपने शरीर को एक्टिव बना लेना है। इसके कई नमूने हैं, मैंने रिसर्च किया, जैसे आप पैर फैला लेते हैं, बस काम चालू हो चुका है, पैर फैला दिया है, धीरे धीरे मामला, आपको पैर तुरंत वापस लेना चाहिए, शरीर को एक्टिव करना चाहिए। मुझे मालूम है कि आप आए थे आज पढ़ने के लिए, मैं ये चीज़ हमेशा मानता हूँ कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे, या जिस भी क्लास में, मेरी क्लास छोड़िए, हर क्लास में जो भी बच्चा क्लास लेने आता है वो आता तो पढ़ने के लिए ही है, फिर होता न जाने क्या है, पढ़ाई नहीं होती। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि आज चलो जरा गप्पे मारेंगे क्लास में, पढ़ने ही आते कि आज तो हम पढ़ेंगे, और नया विषय है मान लो या नया टॉपिक है तो और जोश रहता है, लेकिन गड़बड़ी इसी में हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर आप सीख लें तो बहुत बढ़िया क्लास जाएगा। अभी तो चलिए इंटर है, फाइनल भी आएगा, तो आप इन चीज़ों को सीख लें कि कभी भी शरीर को वो काम करने ना दें, वो तुमको बहलाएगा फुसलाएगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए बॉडी में, फिर वापस दिमाग चलने लगेगा, ठीक है? तो चलिए साहब, हम कह रहे हैं 194LA। सर एक बात हमको दिक्कत कर रही है, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको परेशानी होगी, क्या आप IA IB फिर LA फिर ऐसे, मतलब उल्टा पुल्टा आप जरा क्योस कर रहे हो, थोड़ा सा आप कैजुअली इधर उधर से उठा उठा के पढ़ा रहे हो, कुछ कोई सिक्वेंस नहीं है क्या आपका? सिक्वेंस है, अभी उसका इंटरलिंक करवाऊंगा, अभी मैं थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए, आप जरा LA कंप्लीट करिए फिर सिक्वेंस बनाता हूँ। 194LA क्या कहता है? अगर गवर्नमेंट ने किसी का इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी अक्वायर किया और कंपनसेशन 2.5 लाख या उससे ऊपर है तो 10% का टीडीएस कटेगा, कौन काटेगा इस बार? वेरी गुड, गवर्नमेंट, इस बार तो गवर्नमेंट को ही काटना है। क्लियर हो गया? अब एक दिक्कत आई, दिक्कत ये आई कि ये सेक्शन बहुत पहले से था, ये बाद में आ गया,
अब सरकार को ही ये धमका रहा है, 194 आई है, सरकार को ही धमका रहा है। कैसे? सरकार ने राम की प्रॉपर्टी अक्वायर की, अब ये सेक्शन देख रहा है कौन, आइए, इमोल प्रॉपर्टी खरीदा है क्या? हाँ, 50 लाख या उससे ऊपर है क्या? हाँ, खरीदा नहीं है, मतलब छीना है। अरे वही बात है, पैसा तो देना है ना। हाँ, तो TDS काटो कितना? 1%। वो कह रहा है अरे रुको रुको रुको, आप गवर्नमेंट हो, कंपल्सरी एक्विजिशन है, कंपल्सेशन 2.5 लाख के ऊपर है क्या? 10%। और तो किसकी सुनू, ओवरलैपिंग दिखा आपको। इसीलिए इस सेक्शन में लिखा गया अदर देन 194। अब अगर 194 एलए अदर देन आएगा तो आप दिमाग शांत करके समझ पाओगे, बात समझ रहे हैं भाई साहब। एलए में तो 10% है, वो भी डायरेक्ट है, इधर 50 लाख है, दोनों में चीजें अलग अलग हैं, ठीक है, वहां 1% है। तो यानी गवर्नमेंट कंपल्सरी रिक्वायर करे तो 194 एलए आएगा, गवर्नमेंट कंपल्सरी रिक्वायर करे तो 194 एलए आएगा। अगर नॉर्मली डील हो रहा है, किसी ने किसी के जमीन मकान खरीद लिए, तो 194 आइए आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। अच्छा देखिए, सुनिए, जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे लगभग मैं लगभग ले रहा हूँ, मान लो इतना ही ले लिया, चलो एक और ले लेता हूँ, 194D है ना, 194H, जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे सब में एक बात कॉमनली लिखा होगा, पेई को रेसिडेंट होना चाहिए तभी TDS काटना है। पेई जिसका काट रहे हैं वो रेसिडेंट है तब। अरे तो पेई अगर एनआर है तो? मैं हूं ना, घबरा क्यों रहे हो, सबको एक साथ ही, सारे सेक्शन एक तरफ, 195 एक तरफ। अरे एनआर को दे रहे हो क्या? इधर आओ, इधर 195 बेटा। मैंने ब्रॉडली कहा है, इनमें से कहीं कहीं पर रेसिडेंट नहीं लिखा है तब यही सेक्शन लगेगा। जैसे विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग के बारे में लिखा है कि अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो 30% कटेगा, तो एनआर को दूंगा तो भी यही सेक्शन लगेगा, 195 नहीं लगेगा। लेकिन जहां जहां जिस जिस सेक्शन में रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, वहां कहना ऐसा नहीं है कि एनआर में कटेगा, नहीं कटेगा, 195 में कटेगा। आपको मैं एक थीम तैयार करके दे रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंटली आप इस चैप्टर को निकाल दो, उड़ा दो, क्योंकि इस चैप्टर को फाइनल में रखा गया था। आपको मैं समझा देता हूं, यह चैप्टर इंटर का नहीं था, इंटर में इस चैप्टर को डाल के इंटर का लेवल स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने। यानी कई वर्षों तक ये सिर्फ फाइनल के बच्चे पढ़ते थे, इंटर के बच्चे TDS पढ़ेंगे, दिमाग तो नहीं खराब हुआ तुम्हारा, ऐसा होता था। TDS पढ़ना पड़ रहा है, यानी ये लेवल बहुत हाई है इसका। तो TDS पे आपका कमांड जनरली आप बच्चों का नहीं देखोगे, अरे मोटा मोटा तो कोई भी बोल देगा 10% कटेगा, 20% कटेगा, इन डेप्थ कि चल आर ये एनआर, आर अच्छा एनआर हो तो 195, ये कॉन्फिडेंटली आप नहीं पाओगे। तो मैं चाह रहा हूं आपको जरा तैयार कर दूं, 192 से लेकर 195 के पहले जितने भी सेक्शन में आपको कहीं ऐसा दिखे, जो कि ज्यादातर दिखेगा, पेई रेजिडेंट है तब की बात कर रहा हूं। जैसे अगर प्रोफेशनल को आप पेमेंट करते हो और वो रेजिडेंट है तब की बात कर रहा हूं, तो 194J में 10% TDS है, तो अगर एनआर है तो 195, सोचना क्या है? इसको पढ़ाकर फायदा क्या हुआ सर आपका? ये फायदा हुआ, इसमें लिखा है कि पेमेंट अगर रेसिडेंट को कर रहे हो तब ये सेक्शन है, और तब देखना है 50 लाख या उससे ऊपर है तो 1%। तो बताइए रेसिडेंट किसका होना जरूरी है, बायर का या सेलर का? अरे मैं तो ऐसे लिख रहा हूं इधर उधर, तुम बताओ ना। पेमेंट रेसिडेंट को कर रहे हो तो पेमेंट हम किसको करते हैं? बायर को। तो ये सेक्शन कहता है सेलर रेसिडेंट होना चाहिए। हमने कहा अच्छा बायर, ओ हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं बताया गया, ओके तो बायर आर एनआर बोथ, यस बायर आर एनआर बोथ, ये सेक्शन लगेगा, बट सेलर को आर होना पड़ेगा। और अगर सेलर एनआर हुआ तो डरो मत, 195।
कुल मिला के आज मैं आपको 194 आईए ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा हूं, पढ़ाना वही है 194 आईए। अगर किसी ने पैसा दिया 50 लाख या उससे ऊपर इमोल प्रॉपर्टी के खरीद पर रेजिडेंट को, तो 1% टीडीएस कटेगा। ठीक, किसी ने मतलब आर एन आर बोथ 50 लाख या उससे ज्यादा दिया तो, सर एक डाउट है क्या, सर एक मकान हमने खरीदा है 40 लाख का लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है, आप सर कैपिटल गेन निकालने के लिए 70 कंसीडर करते हैं सर, वो देखना आप, हाँ देख लेंगे, बट टीडीएस किस पे कटता है, पेमेंट पे, और पेमेंट कितना हुआ तो ध्यान किस पे लगाना है, हाँ तो टीडीएस काटना कि नहीं, नहीं काटना। माना कि सेल कंसीडरेशन 70 बनेगा, माना कि 30 लाख का डिफरेंस इसके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ये सब माना, टीडीएस कटेगा कि नहीं बोलो, नहीं कटेगा। पेमेंट मनी काइंड बोथ है, ये कैसे हुआ सर, मैंने आपसे 70 लाख की जमीन खरीदी और उसके बदले कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए 70 लाख के, टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा, समझ गए, टीडीएस कटेगा, क्योंकि पेमेंट कैसे दिया है, कैश में दिया है, चेक में दिया है, अदर मोड में दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश दो, चेक दो, बैंक दो, अदर मोड दो, सभी मोड में टीडीएस कटेगा 1%। बताओ मैंने आपसे क्या लिया, जमीन, आप रेसिडेंट हो, मैं एनआर हूं, आर हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप रेसिडेंट हो, कौन सा सेक्शन 194 आइए, टीडीएस कटेगा, हाँ कटेगा, कितना परसेंट, 1%, 1% टीडीएस कटेगा, क्लियर हो रहा है, 1% टीडीएस कटेगा। अब मैंने पेमेंट क्या किया है, आपको 70 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, तो भैया टीडीएस कटेगा, अरे कटेगा कटेगा, बोलने से थोड़ी होगा सर, काटोगे कैसे, ऐसा थोड़ी है कि 70 में से 70,000 रुपए काट लिया और 69,30 का कैश दे दिया, आप तो शेयर इशू कर रहे हो, हाँ तो 69,30 का शेयर इशू करो, समझ तो गए तुम भी, और बाकी बाकी शेयर सरकार को इशू कर दो, अरे पैसा सरकार को दे, लेकिन सर 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 गलती से ना 70 हमने दे दिया, 70 का शेयर इशू कर दिया, भाई साहब ऐसा कर दिया क्या, सुनो सुनो सुनो, तुमने 70 का शेयर इशू किया तो 70 प्लस टीडीएस, मैं मानूंगा तुमने इतना दिया है, तो इसका कटेगा 1%, बराबर कितना होगा, मतलब मान लीजिए 70 is 99, तो 1 कितना, ऐसे टीडीएस सरकार को चाहिए। अगर किसी ने 70 का दे दिया ना शेयर, तो ये बुरा हाल होना है, और अगर ये सिर्फ डील हुआ कि भैया 70 के शेयर इशू करूंगा इसके बदले, 70 का कंसिडरेशन है, और तो 70 का इशू नहीं करके हम उसका 1% काट के जो बचेगा उसका शेयर इशू करेंगे, समझ गए, समझदार हैं आप, तो एक काम करिए, हाँ हाँ छोड़ रहे हैं, कौन सा पकड़ के तुमको, यहीं पर हम पढ़ाते रहेंगे सुबह शाम तक, हमको और कोई काम नहीं है क्या। देखिए यहां पर हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, देखिए मकान है 60 लाख का लेकिन पति पत्नी दोनों का है, ओहो तब तो सर 30-30 लाख, तब तो सर 30-30 लाख, तब तो टीडीएस नहीं कटेगा, कटेगा, क्योंकि यहां यह नहीं लिखा कि पेमेंट जिसको कर रहे हो वो होना चाहिए 50 लाख या उससे ऊपर, यहां लिखा है मकान को खरीदने का मूल्य, ध्यान मकान पर देना है, तो कटेगा क्या टीडीएस, हाँ कटेगा टीडीएस, टीडीएस एप्लीकेबल है, और 30-30 लाख का चेक काटेंगे ना, तो सबका 1-1% दोनों का काट के जमा कराएंगे। इस बार बताइए सेलर जुड़वे में थे, बायर सिंगल था, चेंज कर देते हैं, ये सेलर है, ये दोनों मिलके अपने नाम मकान खरीदना चाहते हैं, तो भैया टीडीएस, सर मकान को देखना है ना, बेचने वाले को ना खरीदने वाले को, देखना मकान को है, तो मकान का तो वैल्यू 50 और उससे ऊपर है, तो टीडीएस तो कटेगा, तो इन दोनों को कहेंगे कि भाई साहब आप अपने बैंक से जो 35 लाख इनको देंगे ना उस पर टीडीएस काट लीजिएगा, आप 35 लाख दीजिएगा ना उस पर टीडीएस काट लीजिएगा, 35 लाख, अरे 50 लाख तक तो है ही नहीं बेवकूफ, मकान तो 50 या उससे ऊपर है, ठीक है एक ही, तो 2% हो गया फिर तो, बोलो कोई बोलो, बहुत दिक्कत आती है मुझे समझाने में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको एक ही तरीका समझना, मार मार के समझाओ, 1% इसने 1% उसने काट लिया, तो 2% कट गया ना सर, है प्रश्न आए हुए मेरे पास,
डबल कट गया सर, ऐसे भी बोलते बच्चे। अब लो इधर देखिए भाई साहब, सेलर एनआर है, बायर बायर जो है भगवान जाने कौन है, सेलर एनआर है, सेलर एनआर है, सेलर एनआर है। सेलर को क्या होना चाहिए, सेलर को क्या होना चाहिए, आर। तो यहां पर ये नहीं लगेगा, लेकिन चिंता नहीं है, पिटना उल्टा कर देंगे तो ये सेक्शन लगेगा। यानी बायर एनआर है, सेलर सेलर आर है, तो ये सेक्शन लगेगा। यहां पर 48 में बेच रहे हैं। अच्छा ये ऐसे क्यों किया हुआ है, ये ब्लैक मनी है ना, एसडीबी तुम ही सोचो 55 लाख है और 48 में भी कराया, तो काला धन है, इसलिए वो ऐसे पकड़े हुए, काला धन, काला धन है। तो बायर के पास काला धन है, काला धन है, उसने खरीदा 48 में, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वाली 55 है। अब जरा सा फर्क है, आप अगर स्टैम्प ड्यूटी देखो तो टीडीएस कटेगा, नहीं देखो तो नहीं कटेगा। आंसर है नहीं, आपको पेमेंट देखना है, पेमेंट है, तो पेमेंट है इसलिए नहीं कटेगा। और यहां पर इस व्यक्ति से जमीन ले लिया इस कंपनी ने, और इसके बदले इन्होंने 55 लाख के शेयर इशू कर दिए। भैया कर दिए क्या, हाँ कर दिए तो गए तुम, रुको, 55 डिवाइडेड बाई 99 मल्टीप्लाई 1 बराबर जो बनेगा वो टीडीएस बनेगा, समझ गए, ये तो तुम समझ गए, लेकिन सेक्शन तुमने पढ़ा ही नहीं। हाँ तो सेक्शन पढ़ाओ सर, हाँ तो पढ़ते हैं सेक्शन। सेक्शन कहता है अगर कोई व्यक्ति जो कि बायर है, जरा देखिए तो मैंने क्या बोला, सही बोला क्या, कोई व्यक्ति जो बायर है अगर उसकी जिम्मेवारी बनती है पे करने की 194 एल ए छोड़ के, तो जानते हैं जानते हैं, किसी रेजिडेंट ट्रांसफरर को, रेजिडेंट कौन है, सेलर, कोई भी सम कंसिडरेशन के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट करते समय उस पैसे को वो क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा। ये पेमेंट आप किस मोड में करते हो, कैश मोड, चेक मोड, कोई दूसरा मोड, काट लेगा टीडीएस 1%। सर 50 लाख का तो जिक्र ही नहीं हुआ, नहीं कटेगा टीडीएस सबसेक्शन 1 में अगर कंसिडरेशन 50 से कम है, यानी 50 पे, 50 पर डॉट कटेगा। आगे लिखा हुआ है कि भाई साहब कुछ चीजों से मुक्त करेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, वो चीजें आपको हम बताएंगे। ये एक छोटा सा प्रोसीजर मैंने बता दिया, जैसे बायर दे रहा है 50 लाख या उससे ज्यादा किसी भी मोड में, तो पहला काम टीडीएस काटेगा, दूसरा काम जमा कराएगा सरकार को कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिन। कहाँ से लेना है बेटा, चेक करके बोलना है, अंदाजा नहीं लगाना है, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट मंथ। यानी मैं 17 जून को पेमेंट कर रहा हूँ किसी मकान को खरीदने के लिए, तो मुझे मुझे 30 जुलाई तक, जुलाई तो 31 का होता है, तो होता होगा 30 जुलाई तक। सर हम यही बोलना चाह रहे थे, सुन लिया क्या आपने, क्या लेना है तुमको, 30 जुलाई तक। यहां एक मंथ लिखा होता तो मैं 31 जुलाई बोलता, 30 दिन लिखा है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो 30 जुलाई तक मुझे ये जमा करा देना है सरकार को, और ये वो फॉर्म है जिसमें चालान भी है, जिसमें चालान भी है और स्टेटमेंट यानी रिटर्न, बोलो बेटा, हाँ, और ई फाइलिंग कर देना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ये जमा करना पड़ता है, और इसी में टीडीएस का सर्टिफिकेट भी निकल के आ जाता है, फॉर्म नंबर 16 भी अपने आप निकल आता है। उसको कब तक देना है बेटा, कहाँ से, 15 दिन बेटा, ड्यू डेट से, यानी 30 दिन के 15 दिन से, कितना हो जाएगा बेटा, 14 अगस्त, जुलाई एक बच गया था ना, 14 अगस्त। तो भाई साहब मैंने अगर 5 जून को मकान खरीदा है, अग्रीमेंट किया है, पैसा दिया है, तो मुझे 1% सरकार को जमा कराना है 30 जुलाई तक, और 14 अगस्त तक मुझे सर्टिफिकेट उस आदमी को दे देना है। उससे पहले देना चाहूँ तो दे दो, ये तो लास्ट लिमिट है, समझ आ गया। 10 लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये बात हम 10 के साथ जोड़ देंगे, समझा देंगे आपको 10 क्या होता है, जब बता दूंगा, ये पेन नहीं है 10 है। अब बताओ 194 आईए पढ़ लिया तुमने आज, एक तो सेक्शन टिक कर लो, 194 आईए के बाद 194 एलए पढ़ लिया तुमने, 16 नंबर पेज पर देखना जरा, पेज नंबर 16, ये देखो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है,
फोटो फोटो में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। अगर सरकार ने किसी से इमुअल प्रॉपर्टी अदर देन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी लिया है और सरकार पे कर रही है कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2.5 लाख, तो TDS कटेगा 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्या जरूरत है लिखने की, समझ तो आई गया है। अच्छा, इसके बाद आपने एक सेक्शन पढ़ लिया, टिक करना है जो जो पढ़ लिया। 194G जी 10 नंबर पेज, बताइए। इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन हु इज स्टॉकिंग, जो स्टॉक कर रखता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, सेल परचेस करता है, लॉटरी टिकट, एनी काइंड ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ कमीशन रेमुनेशन एक्सेट्रा, अगर 15,000 से ज़्यादा है तो 5% TDS कटेगा। तो आपको 15,000 की लिमिट पकड़नी है और रेट पकड़ना है कितना, 5%। एक आप ये टिक कर लीजिए 194D। किसी ने भी अगर इंश्योरेंस एजेंट जो रेजिडेंट है उसको पेमेंट किया इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस कमीशन का 15,000 से ज़्यादा, तो 5% आपको TDS काटना पड़ेगा। बस बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको बता दिया मैंने, संडे को पूरी तैयारी करके आनी है हमको।